आज हम सूरत का बहुत ही फेमस पनीर घोटाला बनाने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पनीर घोटाला बहुत ही कम समय में और कम मसालों के साथ बहुत आसान तरीके से बनता है। देखते हैं कैसे बनाते हैं पनीर घोटाला। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के लगभग पनीर लिया है। इसे हम एक कद्दूकस कर लेंगे, एक ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और ये बहुत जल्दी ग्रेट हो जाता है। इस प्रकार से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। देखिए अब ये हो चुका है, इसको अब हम एक साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम 2 टेबलस्पून के लगभग कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्के आंच पे ही तेल में मसाले डालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा डाल दिया है। तेल गर्म नहीं होना है, लो टू मीडियम आंच पे ही रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन और 1 अदरक के टुकड़े को मैंने यहाँ पर कूट लिया है। चाहे तो आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, पर कूट के डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून के लगभग मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को लो टू मीडियम आंच पे ही हमें फ्राई करना है। इस प्रकार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जले नहीं, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर को बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है। चाहे तो आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, पर ऐसे कद्दूकस करके या बारीक बारीक काट के डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत जल्दी पक भी जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 शिमला मिर्च को भी मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हल्के आंच पे हमें भुनना है मसालों के साथ। अब ये बहुत जल्दी भुन जाता है। इसके बाद मैंने स्वाद अनुसार इसमें 1 टेबलस्पून के लगभग नमक डाल दिया है। नमक डालते ही हमारे सारी सब्जियां गल जाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के लगभग मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है। पहले हमने तेल थोड़ा सा कम लिया था, इसके बाद इसमें बटर डालना है। बटर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तेल और बटर दोनों ही डालना है इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के लगभग टमाटो केचप लिया है। टमाटो केचप के बाद मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी लिया है। कसूरी मेथी को मैंने हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया था। अब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मध्यम आंच पे ही हमें फ्राई करना है, बहुत तेज़ आँच पर नहीं हमें फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला लिया है। पाव भाजी मसाले के साथ इसका फ्लेवर दोगुना हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है या फिर आपको नहीं डालना है तो यहाँ पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन पाव भाजी मसाला डालने से इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, कम से कम 1/2 कप के लगभग मैंने यहाँ पे पानी डाला है। पानी डाल के थोड़ा सा हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, मसाले और सब्जियों को एडजस्ट कर लेंगे इसकी ग्रेवी को। देखिए पानी डाल के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसको पकने के लिए रख देंगे और अब हम इसमें जो ग्रेट करके पनीर रखे थे अब हम उसे डाल के हल्के हाथों से हमें एक से मिक्स करना है और थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल देंगे और हल्के हाथों से हमें सारी चीज़ों को मसालों के साथ मिक्स करना है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देखिए कम समय में भी ये कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट डिश बन के तैयार हो गया है। देखिए इस प्रकार से अब हम सारे चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और ढक के 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। देखिए 2 मिनट के बाद वाव, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही इसका अच्छा खुशबू आ रहा है। बटर है इसमें, सारे मसालों के साथ पनीर पक चुका है। अब हम इसमें चीज़ डालते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चीज़ के क्यूब लिया है, इसमें से मैंने 3 को ग्रेट करके इसमें डाल देंगे और 1 को बाद में हम गार्निश के लिए रख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ के क्यूब को यहाँ पे ग्रेट करके मैंने इसमें डाल दिया है। इस प्रकार डाल के हम सारे चीज़ों को पनीर के साथ चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे और इस समय गैस का फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। बहुत तेज आंच पे हमें नहीं बनाना है ये डिश, हल्के आंच पे ही हमें बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा चीज़ डाल के हम इसे गार्निश कर देते हैं।
देखिए अभी हमारा बन चुका है दोस्तों। आप इसे कोई भी रोटी, पराठा, कुलचा या फिर नान और या पाव के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और खाने में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। आप इसे अगर पाव के साथ खाएंगे, पाव में बटर लगाकर खाएंगे तो इसका दुगुना टेस्ट हो जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली वाले को ज़रूर खिलाइए। देखिए इस प्रकार बनकर हमारा पनीर घोटाला बनकर तैयार है। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।